हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे जेलियो की पांच इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के बारे में। एक साथ फ्रेंड्स सारे डिफरेंस बताऊंगा, जेलियो की कौन सा स्कूटर परफेक्ट है। इन्होंने जो रेंज क्लेम कर रखी है फ्रेंड्स, वो है 150 से ज़्यादा किलोमीटर पर चार्ज पर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये इनका होम पेज है। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इनकी ऑफिशियल साइट से दूंगा फ्रेंड्स, ताकि इसमें कोई भी इधर उधर की बात ना ऐड हो। ये देखिए, इनके होम पेज पे आपको ले चलता हूँ, क्या डिज़ाइन आपको मिलेगा स्कूटर का। और रेंज ये क्लेम करते हैं 150 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा मॉडल इन्होंने दिखाया है जेलियो का, और बहुत ज़्यादा इस टाइम बिकने वाली मॉडल्स में से आ रहे हैं ये फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत मॉडल इन्होंने बनाया है। जैसे कि पहले अपनी वेस्पा स्कूटर आती थी, वैसा इन्होंने एक मॉडल बना के दिया है, जो कि देखने में और पूरा स्टाइलिश लुक है। अलॉय व्हील्स भी कितने अलग दिए गए हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करके अब हम डायरेक्ट इनकी वन बाय वन इनकी स्कूटर्स पे चलेंगे और देखते हैं कौन सी स्कूटर इनकी परफेक्ट है, कौन सी स्कूटर इनकी सबसे ज़्यादा आपको रेंज एंड टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला मॉडल है इनका फ्रेंड्स लेजेंड्रा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेजेंड्रा मॉडल। ये देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन के बारे में फ्रेंड्स। इन्होंने इसमें 3 वेरिएंट निकाले हैं, जो कि आपको रेंज प्रोवाइड करती हैं 60 किलोमीटर पर चार्ज, 90 किलोमीटर पर चार्ज एंड 120 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज ये प्रोवाइड करते हैं। बैटरी पावर की बात की जाए, जेल बैटरी है 28 AH की, लिथियम आयन बैटरी है फ्रेंड्स 60 वॉट की, 73 वॉट की। मोटर की बात करें तो फ्रेंड्स 60 वॉट की आपको BLDC हब मोटर दी गई है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रंट में इन्होंने डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किए गए हैं और रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं फ्रेंड्स। टायर साइज की बात करें तो 19x90x12 का रेशो इन्होंने प्रोवाइड किया गया है टायर साइज में। और रियर में आपको 10 इंची के टायर मिलेंगे, फ्रंट में आपको 12 इंची के टायर मिलेंगे। सस्पेंशन की बात करें तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसमें दिया गया है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ फीचर्स की बात करें तो USB पोर्ट इसमें दिया गया है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है जैसे कि मैंने बताया, पार्किंग गियर है, एंटी थेफ्ट अलार्म दिया गया है, अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए गए हैं। डिज़ाइन के मामले में चलते हैं, देखिए कितना स्पोर्टी डिज़ाइन इन्होंने दिया गया है। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट वेरिएंट पे, जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है फ्रेंड, जिसका नाम है ग्रेसी। जेलियो कंपनी का नाम है फ्रेंड, जो बहुत सारे 9 से ज़्यादा प्रोडक्ट निकाल चुकी है। अब उसके हम ग्रेसी प्रोडक्ट की बात करेंगे फ्रेंड्स। देखने में बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है ये भी, रेंज ये ज़्यादा खूबसूरत प्रोवाइड करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बेहतरीन और स्पोर्टी लुक इन्होंने दिया है। चलिए इसके फीचर्स की बात करते हैं तो माइलेज यानी कि पर चार्ज पर कितने किलोमीटर की रेंज देगी आपको। इसमें 2 वेरिएंट है, एक तो 60 किलोमीटर की रेंज देगी और एक 90 किलोमीटर की रेंज दी जाएगी फ्रेंड्स। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सेम इसमें भी, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और रियर में ड्रम ब्रेक है। टायर साइज की बात करें तो 10 इंची का टायर साइज में मिला है। सस्पेंशन की बात करें तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसमें मिले हैं फ्रेंड्स हमें। अब बैटरी पे चलते हैं, 60 वॉट की BLDC बैटरी दी गई है, जो कि लो स्पीड के लिए है फ्रेंड्स। और पूरा चार्ज होने पे ये कितनी यूनिट आती है ये भी इन्होंने कंपनी ने बताया है, 1.5 यूनिट में ये गाड़ी आपकी, सिर्फ 1.5 यूनिट में फ्रेंड आपकी पूरी गाड़ी 100% चार्ज हो जाएगी फ्रेंड, जो कि आपके खर्चे को बिल्कुल शून्य कर देती है फ्रेंड्स। लुक वाइज बहुत प्यारी है, रेंज भी अच्छी खासी 90 किलोमीटर की आपको रेंज मिल रही है फ्रेंड्स। फीचर्स की बात करें तो USB पोर्ट मिल रहा है फ्रेंड्स, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, पार्किंग गियर है, एंटी थेफ्ट अलार्म है और अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। डिज़ाइन ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन। अब इसे कलर्स पे चलते हैं, देखिए फ्रेंड्स ब्लू कलर कितना प्यारा कलर मिला है, और ब्लू कलर में कितनी स्पोर्टी लुक इसमें मिल रही है फ्रेंड्स हमें। ये देखिए फ्रेंड्स ब्लैक कलर, वाओ व्हाट अ स्पोर्टी लुक। साइट अपनी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की है अपनी साइट, जेलियो का मार्क मिला है चारों तरफ और देखने में खूबसूरत है। स्पेसिंग के मामले में बात करें तो फुट स्पेस भी अच्छी खासी दी गई है फ्रेंड, डिज़ाइन बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा है, बहुत ही बेहतर और स्पोर्ट्स लुक। ये देखिए वाइट कलर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड, और ये ग्रे, ग्रे में तो बहुत ही अच्छी स्पोर्टी लुक इसमें मिल रही है, बट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो इसमें लगा वो ये अपना ब्लू लगा फ्रेंड्स। प्राइसिंग का मैं सबसे एंड में बताऊंगा फ्रेंड्स, एक वन बाय वन मैं आपको प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि सबसे अच्छी प्राइसिंग रेंज में आपको सबसे अच्छी कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर पड़ेगी जेलियो कंपनी की। तो चलिए इसके थर्ड वेरिएंट पे चलते हैं फटाफट। थर्ड वेरिएंट है फ्रेंड्स इसका ग्रीसी आई, ग्रीसी वन और ग्रीसी आई के नाम से फेमस है ये।
ये भी मार्केट में बहुत देखने को मिल रहा है आजकल फ्रेंड। और आप इनके डायरेक्ट अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप इनकी प्रोफेशनल साइट यानी कि इनकी ऑफिशियल साइट पे डायरेक्ट इनका एक नंबर दिया गया है जो कि आप स्क्रीन पर डायरेक्ट देख भी रहे होंगे। वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक आप उनको कॉल करके कोई भी आपकी इंक्वायरी हो आप उनसे पता कर सकते हैं। और डायरेक्ट इस साइट से भी आप यहाँ पे जाके खरीद सकते हैं फ्रेंड। साइट का लिंक मैं डाल दूंगा आपको। ये देखिए फ्रेंड ग्रेसी कितना प्यारा लुक इसमें मिला है, 2 कलर वेरियंट भी दिखा रखी है। ग्रेसी आई जो तीसरा वेरियंट है इसका, ये भी बहुत खूबसूरत है। और इन्होंने फुल स्टैंड भी दिया है फ्रेंड। कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ साइड स्टैंड प्रोवाइड कर रही है जो कि खड़े करने में दिक्कत आती है, बट इसमें जो स्टैंड है वो बहुत अच्छा और बहुत मजबूत दिया गया है। इसके फीचर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सेम फीचर्स हैं ग्रेसी में भी और ग्रेसी आई में भी। माइलेज की बात करें यानी रेंज पर चार्ज की बात करें तो वही 60 और 90 की हमें रेंज मिल रही है। बैटरी सेम फ्रेंड्स 60 वोल्ट की BLDC बैटरी मिल रही है। स्पीड की बात करें तो लो स्पीड व्हीकल में ये गिना जा रहा है, यूनिट वही सेम डेढ़ यूनिट पर चार्ज पे ये ले रही है। ब्रेकिंग सिस्टम की तरफ जाएं तो डिस्क ब्रेक फ्रंट में है और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल रहे हैं। टायर साइज़ की बात करें तो सेम 10 इंची का टायर साइज मिल रहा है। और सस्पेंशन पे चलें तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल रहे हैं फ्रेंड्स। सेम फीचर्स हैं कोई इसमें और इसमें से, ग्रेसी और ग्रेसी आई में कोई फ़र्क नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिज़ाइन का फ़र्क है। बट कि मुझे ग्रेसी का डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा ग्रेसी आई से लेके। कलर इसमें भी सेम ब्लू है जो कि बहुत पहले से ब्लैक है, वाइट है फ्रेंड्स एंड ग्रे, और फिर अपना ब्लू सेम। मुझे इस बार ग्रे कलर काफ़ी अच्छा बेहतर लगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं इनके थर्ड वेरिएंट पे, ग्रेसी प्रो। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस किए हैं फ्रेंड्स इन्होंने। ग्रेसी प्रो अभी लॉन्च किया गया एक मॉडल है फ्रेंड्स जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स ये है कुछ अलग ही मॉडल फ्रेंड्स, ये कुछ अलग लुक दे रहा है। जैसे LML वेस्पा स्कूटर आता था वैसा लुक है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। ग्रेसी आई और ग्रेसी के कंपेयर में बहुत ही डिफरेंट लुक है और बहुत ही बढ़िया लुक दिया गया है फ्रेंड्स। स्पेसिंग के मामले में बात करें तो फुट स्पेस कितनी अच्छी दी गई है और ये स्कूटर अलग ही लग रहा है फ्रेंड्स, और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए इसके थोड़े स्पेसिफिकेशन की तरफ चलते हैं। यस, इसमें आपको रेंज भी काफ़ी बेहतर मिलेगी। इसमें 3 वेरियंट मिलेंगे फ्रेंड्स। इसमें आपको 90 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, 60 किलोमीटर की रेंज मिलेगी एंड टॉप रेंज जो मिलेगी इसमें पर चार्ज पे वो है फ्रेंड्स 120 किलोमीटर पर चार्ज की टॉप रेंज मिलेगी फ्रेंड्स, जो कि सिटी के लिए बहुत अच्छी स्टेप मानी जा रही है। अधिकतर लोग जो हैं 100 से ज़्यादा किलोमीटर की जो रेंज है उन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि 100 किलोमीटर की रेंज तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए एक सिटी में घूमने के लिए। तो ये आपको 120 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगी। मोटर की बात करें तो 60 वोल्ट की BLDC मोटर दी गई है। स्पीड की बात करें तो इसमें भी लो स्पीड व्हीकल बता रखा है, बट मैं स्पीड एंड प्राइसिंग का एंड में खुलासा करूंगा फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अगले जो मॉडल हैं वो बिल्कुल अभी लॉन्च हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं फ्रेंड। पर इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। सेम ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो डिस्क ब्रेक फ्रंट में है और ड्रम ब्रेक रियर है फ्रेंड्स। टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट साइज़ थोड़ा सा बड़ा है 12 इंची का और रियर साइज़ थोड़ा सा छोटा है 10 इंची का। सस्पेंशन की बात करें तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, फंक्शन सेम दिए गए हैं फीचर्स। बट इसका लुक फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा, ये देखिए ग्रे कलर में कितनी खूबसूरत लग रही है। एक स्ट्रिप दी गई है इसके बोनट पर, बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड्स, LML वेस्पा जैसा लुक लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। और बैठने के लिए सीट भी बहुत कम्फर्टेबल इन्होंने दी है। चलिए कलर साइज़ देखते हैं, ये ग्रे अपना है, ओ ब्लैक, वाह ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसका वाइट कलर, ओह वाइट कलर, ये मुझे वाइट कलर बहुत प्यारा लगा फ्रेंड्स इसका। अब देखते हैं इसका, ये ग्रे कलर हम देख ही चुके हैं, इसमें सिर्फ 3 ही कलर दिए गए हैं ग्रे ब्लैक और वाइट, जो कि मुझे वाइट कलर इसमें बहुत ही प्यारा लगा। अब फटाफट चलते हैं इनकी नेक्स्ट स्कूटर पर जो कि है ईवा ZX। वह ZX की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अब तक तो ग्रेसी प्रो जो बहुत ही अच्छा मॉडल लगा ज़ेलियो कंपनी की तरफ से, ये देखिए फ्रेंड्स ईवा ZX भी आपको ग्रेसी प्रो की तरह लुक देगी, बट ग्रेसी प्रो की अपनी एक अलग बात है और ईवा ZX की एक अपनी अलग खूबसूरती है फ्रेंड्स। उसमें जो सीट थी वो इन्होंने स्प्लिट कर दी थी, यानी कि डुअल सीट बनाई गई थी, इसमें एक सिंगल फ्लैट सीट दी गई है
जो कि बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, और इन्होंने बैक में एक सीट के एंड में एक अच्छा खासा मजबूत हैंडल प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप जिसमें पकड़ के बैठ सकते हैं और कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, यानी कि अगर बच्चे वगैरह बैठा हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। चलिए सबसे पहले इसके कलर वेरिएंट की बात कर लेते हैं। ग्रे कलर में है, उसके बाद ब्लैक कलर, वाओ ब्लैक कलर इसमें अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। ग्रे और ब्लैक सिर्फ दो वेरिएंट में ही आती है फ्रेंड, तो इसमें ग्रे कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ। सेम 60, 90 और 120 किलोमीटर पर चार्ज की एक आपको अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड कर रही है। लो स्पीड व्हीकल है फ्रेंड्स, बैटरी सेम 60 वॉट की BLDC बैटरी गई है। आपको 1.5 यूनिट सिर्फ खर्च होगा पूरी चार्ज करने में, जो कि कुछ भी नहीं है पेट्रोल के कंपेयर में फ्रेंड्स। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इन्होंने अपनी सब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में लगभग फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। टायर साइज़ की बात करें तो 12 इंची का टायर साइज़ है फ्रंट में, और रियर में आपको 10 इंची का टायर साइज़ मिलेगा। सस्पेंशन सब में इसमें हाइड्रोलिक ही मिले हैं फ्रेंड्स, ये स्पेसिफिकेशन है जिसकी हम बात कर चुके हैं। थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन किए हैं वो भी सिर्फ डिज़ाइन में, बट लगभग स्पेसिफिकेशन इन्होंने सेम दिए फ्रेंड्स। बट जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे, यानी कि इनके टॉप वेरिएंट्स पे बढ़ेंगे, तो आपको इसमें स्पेसिफिकेशन में भी बदलाव मिलेगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने ईवा की तरफ, सिर्फ ईवा। पहले हमने देखा था ईवा ZX, अब हम चलते हैं अपने ईवा मॉडल की तरफ, जो कि ज़ेलियो कंपनी ने बनाया है। काफ़ी फेमस हो रही है फ्रेंड्स ये कंपनी, क्योंकि इन्होंने कुछ ही समय में बहुत सारे प्रोडक्ट निकाल दिए हैं। ये देखिए ईवा का डिज़ाइन, कुछ अलग ही डिज़ाइन है। बट मुझे अगर आप मेरे रिव्यू की बात करें तो हमें ईवा ZX ज़्यादा बेहतर लगा फ्रेंड्स। ये डिज़ाइन थोड़े से इतने स्पोर्टी लुक नहीं प्रोवाइड करते, बट इसके रेंज की बात करते हैं, यस ये थोड़ी कम रेंज वाली है फ्रेंड्स। ये बहुत सस्ती प्राइसिंग में है, प्राइसिंग में आपको एंड में बताऊंगा। ये सिर्फ 90 और 60 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करती है आपको पर चार्ज पे, बाकी स्पेसिफिकेशन सब सेम है फ्रेंड्स। समय व्यर्थ ना करके मैं डायरेक्ट आपको इसके कलर वेरियंट्स पर ले चलता हूँ। ये देखिए इसमें ग्रे कलर है आपको, जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एंड ब्लैक कलर है, एंड इसमें वाइट कलर भी है। इसमें वाइट कलर बहुत प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। ईवा का लोगो दिया गया है तीनों साइड, देखिए ग्रे, वाओ ग्रे भी बहुत प्यारा लगा फ्रेंड्स। इसमें ग्रे, ब्लैक और वाइट तीन कलर वेरिएंट में आती है, मुझे इसमें वाइट कलर बहुत प्यारा लगा फ्रेंड्स। अब चलते हैं इनके अगले मॉडल पे, जो है ZBS के नाम से फ्रेंड्स। ये इनका थर्ड लास्ट मॉडल है आज, सारे यानी कि ज़ेलियो की पूरे जितने भी मॉडल आए हैं उनकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। वाओ ये मॉडल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, कुछ डिफरेंट है ZBS, जो कि ईवा से भी खूबसूरत लगा मुझे फ्रेंड्स। रेड कलर में है। चलिए स्पेसिफिकेशन की तरफ सबसे पहले चलते हैं। यस स्पेसिफिकेशन में इसमें थोड़ा बदलाव है फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना जैसे जैसे हम आप आगे इनके टॉप वेरियंट्स पर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इनकी स्पेसिफिकेशन में भी बदलाव मिलेगा। माइलेज की बात करें, यानी कि रेंज की बात करें, तो ट्रू रेंज है फ्रेंड्स 80 से 120 किलोमीटर की एक ट्रू रेंज प्रोवाइड की गई है पर चार्ज पर फ्रेंड्स। और ये हाई स्पीड व्हीकल है फ्रेंड्स, जिसमें 1500 वॉट की बैटरी दी गई है और लिथियम आयन बैटरी है, 64 वॉट बाय 32A की एक लिथियम बैटरी दी गई है फ्रेंड्स। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सेम है, स्पेसिफिकेशंस यानी कि फीचर्स की बात करें तो भी सेम है, बट जो माइलेज इन्होंने बढ़ा दिया गया है और टॉप स्पीड इसमें बहुत आपको अच्छी खासी मिलेगी, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। टॉप स्पीड एंड प्राइसिंग की बात हम एंड में करेंगे फ्रेंड्स। चलिए इसके कलर वेरिएंट्स की बात करते हैं। वाओ ग्रे इसमें सबसे खूबसूरत कलर, शायद मुझे ग्रे ही लग रहा है फ्रेंड्स। इसका डिज़ाइन मुझे बहुत बेहतर लगा फ्रेंड्स, स्पोर्टी लुक है और टॉप स्पीड मिलेगी तो मज़ा आ जाएगा, हवा से बातें करेगी फ्रेंड्स। ये वाइट कलर भी बहुत खूबसूरत कलर है इसमें फ्रेंड्स, देखिए आगे से भी एक स्पोर्टी लुक दिया गया है और पीछे से भी एक अच्छा खासा स्पोर्टी लुक दिया गया है। फुट स्पेस की बात करें तो काफ़ी अच्छी फुट स्पेस है, ग्रे वाइट दो कलर हम देख चुके हैं फ्रेंड्स। इसमें सिर्फ दो ही कलर आते हैं फ्रेंड्स, ग्रे एंड वाइट। इसमें इन्होंने ज़्यादा कलर निकालने चाहिए थे फ्रेंड्स, बट इसमें दोनों ही कलर काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। अब चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट मॉडल की तरफ फ्रेंड्स, जो कि है ZZS। चलिए देखते हैं ZZS में क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं और कितनी इसमें टॉप स्पीड मिलेगी। यस ZZS
भी सेम है फ्रेंड्स, जैसा इससे पहले मॉडल बताया था लगभग लगभग सेम ही है। चलिए डायरेक्ट इसकी उस पर चलते हैं। यस फ्रेंड्स, इसमें आपको मिला है चेंजेस। इसमें जो इन्होंने रेंज क्लेम की है वो है 100 से 120 किलोमीटर की, यानी कि रेंज और बढ़ा दी गई है फ्रेंड्स। हाई स्पीड, यानी कि हाई स्पीड मॉडल है फ्रेंड्स, 1.5 यूनिट ही खर्च होगा और बैटरी पावर भी बढ़ा दी गई है फ्रेंड्स। 76 वॉट की एक बैटरी दी गई है, बाकी सब स्पेसिफिकेशन सेम है फ्रेंड्स। बस इसमें रेंज आपको अच्छी खासी मिलेगी, यानी कि 100 से 120 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। और स्पीड तो मैं आपको अंत में बताऊंगा ही। डायरेक्ट इसके कलर वेरिएंट पे चलते हैं फ्रेंड्स, समय ना बर्बाद करके। वाओ, रेड कलर इसमें दिया गया है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थोड़ी सी पीछे से लंबी कर दी गई है जैसे कि आप देख सकते हैं, ताकि आराम से बंदा कंफर्टेबली बैठ सके। वाइट, वाइट कलर बहुत खूबसूरत, वाइट का तो मैं फैन हूँ फ्रेंड्स, रेड एंड वाइट। यस, दो ही कलर वेरिएंट है फ्रेंड्स, रेड एंड वाइट कलर ही इसमें मिलेंगे आपको। चलते हैं इनके सबसे लास्ट मॉडल पे और देखते हैं उसमें क्या इन्होंने स्पेसिफिकेशंस दी हैं फ्रेंड्स, जो कि है लेजेंड्रा प्लस, जो कि बिल्कुल अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स। लेजेंड्रा प्लस की बात करें तो फ्रेंड्स, रेंज तो इनमें अच्छी खासी मिल रही है आपको, 80 से 100 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। बट ये लो स्पीड व्हीकल बता रखा है फ्रेंड्स, तो ताकि मतलब ये आपको ज़्यादा अच्छी खासी स्पीड प्रोवाइड नहीं करेगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो वही सेम डिस्क ब्रेक फ्रंट में है, ड्रम ब्रेक आपको रियर में मिलेंगे फ्रेंड्स। टायर साइज़ इसमें 12 इंची का टायर साइज़ मिलेगा, अच्छा खासा टायर साइज़ मिलेगा। जेल बैटरी प्रोवाइड करी गई है और 60x72 वॉट की BLDC मोटर इसमें प्रोवाइड की गई है। यूनिट सेम यूनिट लेगी। चलिए डायरेक्ट समय ना बर्बाद करके आप इसकी आप किसी कलर वेरिएंट पे चलते हैं, रेबल रेड। ओ वाओ, इसका डिज़ाइन फ्रेंड सबसे खूबसूरत मुझे जो अब तक लगा वो इसका डिज़ाइन लगा, एंड आपका ग्रेसी प्रो का लगा फ्रेंड्स। देखिए वोटर स्पोर्टी लुक, कितना खतरनाक लुक इसमें मिला है फ्रेंड्स, और ये कलर भी इन्होंने अच्छा कलर निकाला है। दो ही कलर वेरिएंट है फ्रेंड्स, जिसमें जो विजेता होगा वो है रेबल रेड। बट इसमें मुझे थोड़ा सा वो लगा कि इन्होंने टॉप स्पीड नहीं बनाई इस व्हीकल को, जो कि इतने अच्छे कलर डिज़ाइन में आई थी। और रेंज इसमें अच्छी खासी मिलती है रेंज, तो आपको इसमें 80 से 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जो कि एक सिटी के लिए सफिशेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए अब फटाफट इनके प्राइसिंग की बात करते हैं, इनकी टॉप स्पीड की बात करते हैं फ्रेंड्स। लेजेंड्रा की प्राइसिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो लेजेंड्रा आपको 59,048 से स्टार्ट हो गए। आपका जो लेजेंड्रा का टॉप मॉडल है वो आपको मिलेगा 60,476 ऑन रोड प्राइस है फ्रेंड्स। दिल्ली के मैं ऑन रोड प्राइस की बात कर रहा हूँ, आपको अलग अलग शहर में, आपको अलग अलग स्टेट में, आपको अलग अलग सब्सिडी मिलती है फ्रेंड्स, जो कि थोड़ा थोड़ा अलग होती है, बट लगभग लगभग प्राइसिंग सेम ही रहेगी फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इसके अगले मॉडल की, जो कि ग्रेसी, बहुत ही प्यारा जो मॉडल था उसके प्राइसिंग की बात करते हैं। 56,675 से लेके 59,755 तक की इसमें प्राइसिंग मिलेगी फ्रेंड्स, प्राइसिंग की रेंज मिलेगी फ्रेंड्स, जो कि बहुत अच्छी खासी है इस डिज़ाइन में। ग्रेसी के डिज़ाइन में आपको सिर्फ 60,000 के अंडर ही आपको गाड़ी मिल जाएगी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड ग्रेसी आई के प्राइसिंग के बारे में। ग्रेसी आई भी फ्रेंड्स आपको लगभग लगभग 56,825 रुपीज़ से लेके आपको जो टॉप मॉडल पड़ेगा, टॉप वेरिएंट पड़ेगा, वो है 59,755। तो प्राइसिंग लगभग लगभग दोनों की सेम है फ्रेंड्स, दोनों ही लो स्पीड वेरिएंट है। लो स्पीड का मतलब आपको अराउंड 35 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड मिलेगी फ्रेंड्स। बट अब चलते हैं इसके अच्छे खासे, यानी कि जो ग्रेसी प्रो, जो कि हमें बहुत खूबसूरत और एक यूनिक लुक देने वाला मॉडल लगा था, उसकी टॉप स्पीड और उसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। ग्रेसी प्रो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, बट ये भी आपको 74,000 का आपको पड़ जाएगा फ्रेंड्स, जो कि 70 की रेंज, यानी कि 70,000 की रुपीज़ की रेंज में एक अच्छा खासा व्हीकल आपको मिल रहा है, एक स्टाइलिश लुक के साथ और एक अच्छी खासी, यानी कि रेंज के साथ 120 किलोमीटर की अच्छी खासी रेंज मिल रही है। इसकी टॉप स्पीड की बात करते हैं तो इसको, इसकी टॉप स्पीड आपको लगभग लगभग 35 किलोमीटर पर आर की इसकी टॉप स्पीड मिलेगी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके ईवा के
जितने भी मॉडल हैं उनकी रेंज की और प्राइसिंग की बात करते हैं। ईवा के प्राइसिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो ईवा के जितने भी मॉडल हैं, यानी कि तीन मॉडल उन्होंने निकाल रखे हैं, तो उसकी प्राइसिंग लगभग लगभग सेम सी है। प्राइसिंग स्टार्ट होती है 59,000 से लेकर 62,000 की तक। तो आपको अगर 60,000 की रेंज में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर देखना है तो आप ईवा की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप 70,000 की रेंज में एक अच्छा खासा मॉडल चाहते हैं तो आप ग्रेसी प्रो की तरफ जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ईवा एंड ग्रेसी प्रो लगभग लगभग सेम ही बनाई गई है, जिसमें सीट का थोड़ा सा डिफरेंस है और फ्रंट डिज़ाइन का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट दोनों ही देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। फ्रेंड, दोनों में लगभग लगभग स्पीड भी सेम मिलेगी एंड रेंज भी सेम मिलेगी। रेंज आपको 80 से 120 किलोमीटर की खूबसूरत रेंज मिल रही है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके जो सबसे ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करने वाला मॉडल है फ्रेंड्स उसकी तरफ, वो है फ्रेंड ZBS, Zelio ZBS, यानी कि ईवा ZBS मॉडल की जो प्राइस रेंज है फ्रेंड्स वो आपको 64,000 के आसपास पड़ेगी, और जिसकी टॉप स्पीड आप मान सकते हैं 50 किलोमीटर की आपको इसमें एक टॉप स्पीड मिलेगी फ्रेंड्स, जो कि सबसे अच्छा मॉडल है Zelio की तरफ से, प्राइसिंग के मामले में भी और रेंज के मामले में भी और टॉप स्पीड के मामले में। फ्रेंड्स, तो आप मेरी राय से आप ZBS की मॉडल की तरफ जा सकते हैं, बट अगर आप डिज़ाइन के फैन हैं तो आप जो मुझे इसका सबसे अच्छा डिज़ाइनिंग मॉडल लगा वो है फ्रेंड ग्रेसी प्रो। तो वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप इनकी ऑफिशियल साइट से जाके इनके कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट करके आप इसको ऑनलाइन डिलीवर भी करा सकते हैं फ्रेंड्स, और आपको प्राइसिंग थोड़ा सा डिफरेंस भी मिल सकता है, बिकॉज प्राइसिंग स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।